एक और प्रोफेटिक वर्ड हम देखेंगे जो मैंने गुरदासपुर के लिए दिया था. आज से जस्ट 3-4 महीने पहले, जब बिल्कुल सूखा था, बारिश की बूंद नहीं थी, देखेंगे उसको, उस वर्ड को. जैसे कि बाइबल में आमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म यानी अपने भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा. परमेश्वर के दास ने 15 मई 2022 को लाइव मीटिंग में गुरदासपुर के लिए प्रार्थना करने को कहा और भविष्यवाणी के वचन कहे कि मैं आने वाले समय में बारिश के कारण अजीब परिस्थितियों को उत्पन्न होते हुए देख रहा हूँ. गुरदासपुर चर्च को प्रार्थना करने की जरूरत है अपने एरिया के लिए, गुरदासपुर के लिए. आने वाले समय में गुरदासपुर में जब बारिश शुरू होगी, मैं देख रहा हूँ कुछ अजीब सी परिस्थितियां वहां पैदा हो सकती है. हमें प्रार्थना करनी है और अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करते रहना. भविष्यवाणी के वचनों को कुछ ही दिनों के बाद हमने पूरा होता हुआ देखा कि गुरदासपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं. पुलिस प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करके गाँव के लोगों को वहां से घर खाली करने के लिए बोल दिया गया. तो आइए हम देखते हैं उस न्यूज को. जिला गुरदासपुर के कई पिंडां च हड़ वर्गे हालात बने हुए ने. दरअसल दरिया उज दे विच करीब 2 लाख क्यूसिक पानी छड्या गया, जिस दे चलदे नेड़े वसे पिंडां दे लोकां नूं हाई अलर्ट जारी करदे हुए अपने घर खाली करके सुरक्षित थावां ते जाण दे लई कह दित्ता गया. दस दे कि बीते कई दिनां तों जिवें मीह पै रहे ने ते इत्थे ही भारी मीह दे चलदियां दरिया उज दे विच हुण पानी छड्या गया. दरअसल दरिया उज जिस दा पानी दरिया रावी दे विच जा के समौंदा सी, लेकिन दरिया रावी दे विच पानी वधन ते चलदियां ही दरिया उज दे विच हुण पानी छड्या गया, जिस दे चलदे नेड़े वसे पिंडां दे लोकां दे लई इह खतरा बनिया होया ते प्रशासन दे वल्लों वी इत्थे हड़ नूं लै के अलर्ट जारी कीता गया ते लोकां नूं सुरक्षित थावां ते जाण दे लई कह दित्ता गया. हालेलुया. जस्ट 2 महीने पहले जब बारिश का नामो निशान नहीं था, सुनो मेरी बात, जो मैं कह रहा हूँ ना, आने वाले 10 साल, अगर आपने इन 10 सालों में परमेश्वर को पकड़ लिया, पवित्रता, अगले 10 साल में जो शैतान के हथियार होंगे वो भी टॉप लेवल होंगे. परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें.